तो दो या तीन ठीक है, मगर ये तो अल्लाह की देन है, कुदरत है, जिससे भी जाए, मगर इन्हें पाबंद नहीं लगाना चाहिए। बच्चे तो अल्लाह की देन है, दोस्तों के दो भी हो जाए, एक भी नहीं होता, ये तो सब अल्लाह का आत्मा है, इंसान का आत्मा तो कुछ है ही नहीं। जैसे योगी भी गलत कह रहे हैं, योगी जी खुद 5-6 बहन भाई ने, तो योगी जी ने पहले पाबंदी क्यों नहीं अपने माँ बापों को? तो दो या तीन ठीक है, मगर ये तो अल्लाह की देन है, कुदरत है, जिससे भी जाए, मगर इन्हें पाबंद नहीं लगाना चाहिए। कोई ना ही अभी जब आएंगे जब पता चलेंगे हमारे तो बच्चे एक तो बता दो। कानून है पहले पास हुआ है वो होने चाहिए। अखिलेश की सरकार में बढ़िया काम हो रहे थे, अब जो काम है बिल्कुल नहीं हो रहा है। अखिलेश सरकार ने काम बढ़िया कर रहे हैं, योगी सरकार ने बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, ना मोदी सरकार कर रही है ना योगी सरकार, सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं कर रही है, योगी पब्लिक को परेशानी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। योगी सरकार ने कहा है 2 बच्चों से अगर अधिक बच्चे हुए तो उनका जो है ना सरकारी योजनाओं में जो लाभ है ना वो नहीं मिलेगा। अच्छा बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये जरूरी है ऊपर वाले ने दो ही देगा, ऊपर वाला किसी को धमकी देता, ये तो इंसान का हाथ में नहीं, ये बताओ कोई इंसान का हाथ में, ये तो ऊपर वाले का हाथ में, किसी के 10 भी हो जाए, आप 12 भी हैं, बहुतों के 2 भी हो जाए, एक भी नहीं होता, ये तो सब अल्लाह का हाथ में है, कि इंसान का हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जैसे योगी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, योगी सरकार ने जिंदा भाई बोला, बच्चे तो अल्लाह की देन है, देखो इसमें अब वैसे तो हकीकत तो बात ये है कि 2-3 बच्चे ही अच्छे होते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कोई कितने करता है कोई कितने करता है। योगी सरकार ने कहा है कि 2 बच्चों से अगर अधिक बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिलेगा तो क्या वो पेट भरेगा आगे? भाई पेट तो हमें खुद ही भरना है ना। इस फैसले को आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम तो इसकी ये तो सारे झूठे हैं, हम तो इन्हें सच्चे मानते हैं, ये तो इनकी चाल है सारी, ये सारे के सारे झूठे हैं। सच कौन बोला? कहा आज तक किस चीज़ के लिए सच बोला इन्होंने? ये गवर्नमेंट जो रोक लगा रही है, खामों का लगा रही है, हैं जो अब तो वैसी महंगाई का जमाना, फालतू चाहते ही नहीं बच्चे, फालतू नहीं चाहते, अब तो ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तो 2 या 3 ठीक है, मगर ये तो अल्लाह की देन है, कुदरत है, जितने भी जाए, मगर इन्हें पाबंद नहीं लगाना चाहिए। बहुत समझदार हो गई है पब्लिक, चाहती नहीं ज्यादा बच्चे, आप भैया ये जाने अधिकारी जितने भी जहाँ भी जाओ वहीं अधिकारी अपनी जेब भरने पर लगा हुआ है, जहाँ काम जैनमंदी कर रहा है व्यापारी वहाँ भी परेशान कर रहे हैं उसको व्यापारी। जनसंख्या नीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए जो है कम से कम बच्चे 3 होने चाहिए जो ताकि उनकी परवरिश अच्छी हो जाए, और बच्चे देना और ना देना तो अल्लाह का काम है, इंसान से नहीं होता कुछ भी, लेकिन अल्लाह के हाथ में। लेकिन योगी सरकार ने कहा है 2 बच्चे से अगर अधिक बच्चे हो जाते तो उनको सरकारी योजना का लाभ कोई नहीं मिलेगा। योगी जी खुद 5-6 भाई हैं, मैं बहन भाई हैं, योगी जी खुद 5-6 बहन भाई हैं, तो योगी जी ने पहले पाबंदी क्यों नहीं अपने माँ बापों पर लगाई कि उनके ये बच्चे कम हों? तो इस नीति को कितना सही मानते हैं? मेरे तो अल्लाह का शुक्र है मेरे तो एक ही बेटा है जी, मेरा नहीं है ज़्यादा, मेरे तो एक ही है क्योंकि मैंने अपने ऊपर पावन। योगी सरकार ने कहा है कि नई जनसंख्या नीति के तहत हम दो हमारे दो 2 बच्चों से अधिक अगर बच्चे होंगे तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, उसमें क्या कहना है आपको? वही ना ही अभी जब आएंगे जब पता चलेगी हमारे तो बच्चे एक दो बच्चा जो भी होगा। वैसे ये कानून ठीक है? सही है, तो 2 या 3 ठीक है, मगर ये तो अल्लाह की देन है, कुदरत है, जिससे भी जाए, मगर इन्हें पाबंद नहीं लगाना चाहिए। बच्चे तो अल्लाह की देन है, दोस्तों के 2 भी हो जाए, एक भी नहीं होता, ये तो सब अल्लाह का आत्मा है, इंसान का आत्मा तो कुछ है ही नहीं। जैसे योगी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, योगी जी खुद 5-6 बहन भाई हैं, तो योगी जी ने पहले पाबंदी क्यों नहीं अपने माँ बापों को? तो 2 या 3 ठीक है, मगर ये तो अल्लाह की देन है, कुदरत है, जिससे भी जाए, मगर इन्हें पाबंद नहीं लगाना चाहिए। कोई ना ही अभी जब आएंगे जब पता चलेगी हमारे तो बच्चे एक तो बच्चा जो